तो फिल गेम फैमिली, आप में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत दिन से कमेंट करके बोल रखा है कि मैं GTA 5 की तीन तिगड़ी यानी कि माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर का मैच 2K22 की खतरू टीम यानी कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और जॉन सीना के साथ करूं। और फिल गेम फैमिली की ज्यादातर लोग जब कोई मैच बोल देते हैं तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं करूं। तो आज होने वाला एक खतरनाक गेम प्ले, GTA 5 के तीन सुपरस्टार वर्सेस 2K22 के तीन खतरनाक सुपरस्टार। तो जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, फिल गेम फैमिली एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके बताओ कि अगर आप GTA 5 के फैन हो तो GTA 5 में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, ट्रेवर, माइकल, फ्रैंकलिन या फिर कोई और। और मेरे भाई, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर डेली देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अच्छा टाइम है, एकदम फटाक से सब्सक्राइब कर लो। और 350K पर Q&A होगा, पक्का वादा है मेरा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रेवर। ट्रेवर ने अटैक करने स्टार्ट किया लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर के सामने ट्रेवर का पागलपन चल पाएगा, माइकल का दिमाग चलेगा और फ्रैंकलिन की फुर्ती काम आएगी इस मैच में या नहीं, अभी पता चल जाएगा। ऐसे ट्रेवर बहुत स्टार्टिंग में पिट रहा है, सबके पास एक एक फिनिशर है। ब्रॉक ने सबमिशन लगा दिया है, नॉर्मल सबमिशन है लेकिन इससे ट्रेवर का हाथ और पैर दोनों डैमेज होने वाला है। माइकल और फ्रैंकलिन दोनों ट्रेवर को बचाने नहीं आ रहे। भाई मैंने देखो GTA 5 की स्टोरी देखी है, बल्कि गेम प्ले भी किया है बेल गेम 2.0 पर, और ट्रेवर और माइकल की उतनी नहीं बनती थी और माइकल और फ्रैंकलिन की ज्यादा बनती थी। तो ये चीज ये लोग 2K22 में भी कर रहे हैं। या मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना तो मुझे GTA 5 में सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा था ट्रेवर का, क्योंकि ट्रेवर इतना पागल है ना कि वो कब क्या करेगा अगले सेकंड ये ट्रेवर को भी नहीं पता है। तो वो गेम प्ले में बहुत ही ज्यादा मजा आया था। आज से शायद एक दो साल पहले खेला था मैंने GTA 5 लास्ट टाइम। रोमन आ चुके हैं, ट्रेवर बहुत पिट गया है। ट्रेवर क्या कर रहा है? ट्रेवर का फिनिशर भी देख पाएंगे हम लोग या उससे पहले ही ट्रेवर एलिमिनेट होने वाला है? ट्रेवर भाग के टैग दे, टेक डाउन पंचेस भी पड़ रहे हैं भाई, हेड डैमेज हो चुका है ट्रेवर का। भाग ट्रेवर भाग, अभी अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया। किसको टैग देगा? माइकल को नहीं देगा, मुझे पता था। फ्रैंकलिन को टैग मिल गया है, फ्रैंकलिन के पास भी स्पीयर है फिनिशर में, फ्रैंकलिन की फुर्ती काम आ रही है। एक फिनिशर में रोमन नहीं एलिमिनेट होने वाले हैं। फिलहाल ट्रेवर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्रैंकलिन। माइकल को टैग देगा, मुझे पता था ये दोनों ट्रेवर का साथ नहीं दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। GTA 5 में माइकल के भी सारे मिशन अच्छे थे। रोमन को एलिमिनेट करके इतिहास बना पाएंगे माइकल? मुझे नहीं लगता है। ना ना ना, 2K22 का भाई किंग है रोमन, इतनी आसानी से एलिमिनेट हो जाता फिर क्या ही बात था। अभी तो सीना और ब्रॉक की हेल्थ गई भी नहीं है, वो तो फ्रैंकलिन ने एक स्पीयर दे दिया, वरना रोमन अच्छे जा रहे थे, बॉडी डैमेज कर दिए। माइकल एलिमिनेट कर सकते हैं। माइकल का फिनिशर टॉप रोप से है क्या? माइकल GTA 5 की टीम अच्छी जा रही है लेकिन ऊपर से कूदना भारी पड़ सकता है। 90% चांस रहता है कि ऊपर से कूदने पर रिवर्स हो जाता है, जो रोमन ने कर दिया है रिवर्स। GTA 5 की टीम ने अच्छा मोमेंटम गेन कर लिया था लेकिन अब रोमन मौका देंगे नहीं। ब्रॉक और सीना को भी टैग मिल गया, सीना के पास भी एक फिनिशर है। रोमन, ब्रॉक और सीना तीनों ने अपना फिनिशर यूज नहीं किया अभी तक। काउंट आउट से मत एलिमिनेट होना। ओहो भाई साहब, लेकिन मिस कर गए। अच्छा सुसाइड डाइव किया था लेकिन मिस कर गए। माइकल अंदर जाओ, 5 काउंट है, जल्दी अंदर जाओ, सीना अंदर लेके जाओ, बहुत बढ़िया। दसो भी सीना काउंट आउट से एलिमिनेट हो गए थे, आज मत होना, अंदर जाओ। माइकल का फिनिशर आखिर है क्या? वहां की पंच मारा है माइकल ने, टैग देने जा रहे। ट्रेवर को आखिरकार टैग नहीं दिया, पता था मुझे ट्रेवर को जबरदस्ती टैग लेना होगा। फ्रैंकलिन वर्सेस सीना, फ्रैंकलिन का फिनिशर स्पीयर था ना, हाँ, लेकिन फ्रैंकलिन के पास फिनिशर है नहीं, सीना के पास फिनिशर है। सीना यूज कर लो फिनिशर, इतना दूर खींच के ले जा रहे हो, ऑब्वियसली रिवर्स होना था सीना। इतना दूर ड्रैग करने की क्या जरूरत है जब फेंकने का ऑप्शन है, तो गलती कर देते हैं। फ्रैंकलिन भी ड्रैग में जो रिवर्सल आ गया है ना, उससे अलग कांड हो गया है सबका। सीधा ड्रैग, अरे फिर से ड्रैग, क्या कर रहे हो? ओके ठीक है, हाथ को डैमेज कर रहे हैं फ्रैंकलिन के। सीधा फिनिशर बचा के क्या करना है, यूज कर लो, ड्रॉप किक मार के ओके टैग देने जा रहे हैं। रोमन को टैग मिल गया है, रोमन की बॉडी डैमेज है, रोमन का एलिमिनेट नहीं हो जाए। नहीं लग रहा है रोमन एलिमिनेट होंगे। फ्रैंकलिन को बहुत मार पड़ रही है, उठा के पटक रहे रोमन। WWE 2K22 की खतरू टीम ने मोमेंटम अपनी तरफ कर लिया है। ड्रैग का सिलसिला आज कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है। डबल टीम अप, रोमन और ब्रॉक फ्रैंकलिन का कचुंबर बनाने वाले हैं। तीनों एक एक करके आके भाई फ्रैंकलिन को मार के गए। पहले सीना आए, फिर रोमन और अब ब्रॉक भी आ गए। फ्रैंकलिन भाग रहा है, टैग देने भाग रहा था लेकिन ब्रॉक ने रोक लिया है। फ्रैंकलिन फिर भागने की कोशिश कर, लगता नहीं ब्रॉक जाने देंगे।
बॉडी भी येल्लो है फ्रैंकलिन की और हेड भी येल्लो है, सीना आ रहे हैं। अभी तक सीना, रोमन और ब्रॉक तीनों ने फिनिशर नहीं दिया है। सीना ऊपर से कूदना गलती हो सकता है, एल्बो ड्रॉप, फ्रैंकलिन एलिमिनेट हो गया एल्बो ड्रॉप के बाद। भाई ये कैसे हो गया, ऐसे क्या सीना एल्बो ड्रॉप कूद गया, ये फ्रैंकलिन डायरेक्ट एलिमिनेट। भाई साहब खतरनाक सीना, सीना आज फुल फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन अब माइकल ने कमांड ले लिया है और सीना को पीट रहे हैं। भाई पर सीना का कोई भी बॉडी पार्ट अभी तक डैमेज नहीं है। फ्रैंकलिन का एलिमिनेशन देखकर माइकल गुस्से में आ गए हैं। माइकल का बेटा GTA 5 में नालायक था ना, फ्रैंकलिन ही वो बेटा है जो माइकल को मिलना चाहिए था, क्रूसिफिक्स पावर बॉम्ब, और इसलिए फ्रैंकलिन के एलिमिनेशन के बाद माइकल को ज्यादा ही गुस्से में आ गए हैं। लेकिन फिनिशर क्यों नहीं दे रहे हैं, डबल टीम अप के लिए सीना को ओके, आखिरकार ट्रेवर ओके, नहीं मिला टैग। मुझे लगा था ट्रेवर को टैग मिलेगा फाइनली, लेकिन नहीं मिला। सीना भागो टैग देने, ब्रॉक लेसनर को टैग दो। हाँ बिल्कुल पिटे नहीं है ब्रॉक लेसनर। इस मैच में अभी तक सिर्फ एक आदमी ने फिनिशर दिया था, फ्रैंकलिन, जो खुद एलिमिनेट हो गया है, बाकी किसी ने फिनिशर दिया ही नहीं है अभी तक, तो नहीं दिया है फिलहाल। ब्रॉक को कहां लेके जाने की कोशिश, डबल टीम अप, ट्रेवर को फाइनली टैग दिया माइकल ने, मुझे लगा आज देंगे ही नहीं। ट्रेवर फिनिशर दिखाओ, क्या है फिनिशर, ट्रेवर बेचारे ग्रैपल करने की कोशिश करते, खतरनाक डॉज, फिनिशर ओके, उड़ के मारने की कोशिश लेकिन मिस कर यार है। ट्रेवर थोड़ा और अच्छा उड़ना होगा, ठीक है उछल उछल के मार रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छे से परफॉर्म करना होगा। ट्रेवर फिलहाल जा रहे हैं सुप्लेक्स सिटी, ब्रॉक अपनी सुप्लेक्स सिटी ले जा रहे हैं। माइकल मुझे ऐसा लग रहा है कि टैग मांगना चाह रहे हैं, माइकल ने मोमेंटम गेन किया, फिर ट्रेवर पिटने लगे और एक और सुप्लेक्स, सुप्लेक्स की दुकान लगा दी है ब्रॉक लेसनर ने। भाई साहब फिनिशर कभी भी दे सकते हैं ब्रॉक, कभी भी कमुरा या फिर F5, बस तैयार रहो, डबल टीम अप होने वाला है। ट्रेवर के ऊपर डबल टीम अप, सीना और ब्रॉक मिलकर 2K22 की खतरू टीम आज और ज्यादा खतरनाक खेल रही है। एक भी आदमी फिलहाल एलिमिनेट नहीं हुए हैं, एलिमिनेट छोड़ो, 2K22 की खतरू टीम में कोई पिटा भी नहीं है। अभी अगर ट्रेवर का पिनफॉल हो जाता ना तो ये बहुत ही बड़ा शौक होता भाई साहब, ऐसे ही कम मार खा रहा था ट्रेवर की। अब ब्रॉक लेसनर भी आ गए हैं, 2-on-1 करने की जरूरत नहीं है ब्रॉक, ट्रेवर रिवर्स करना भूल गया यार, शुरू से मार खा रहा है भाई ट्रेवर। फ्रैंकलिन ने तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था, ट्रेवर बॉडी ऑरेंज, सर ऑरेंज, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं। ट्रेवर के ऊपर एक और बार टीम अप होने वाला था लेकिन बच गया भाई, फिनिशर दिखा दे एलिमिनेट होने से पहले ट्रेवर प्लीज, बॉडी लाल सर भी लाल, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं ट्रेवर। एक फिनिशर ए लगा खत्म, लेकिन रिवर्स कर दिया खतरनाक, और फिनिशर भी लगा दिया। ओ भाई आरपीओ था डेंजर, लेकिन एक फिनिशर में सीना भी एलिमिनेट नहीं होंगे। फिनिशर अच्छा था ट्रेवर का, और मून सॉल्ट कूदना स्टार्ट किया है रिंग के ऊपर से भी मून सॉल्ट। ट्रेवर अचानक से जोश में आया, जैसे मैंने बोला ना कि ट्रेवर ने आज परफॉर्म नहीं किया है, कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया। माइकल को टैग मिल रहा है, अगर माइकल एक और फिनिशर दे देना, माइकल का फिनिशर पता नहीं क्या है जो भी है, और ये एक और मून सॉल्ट। अरे कितना मून सॉल्ट कूद रहे हो, सीना की बॉडी ऑरेंज हो गई है और सर भी येल्लो। सीना भागो भागो सीना, टैग देने वरना फर्स्ट एलिमिनेशन 2K22 की खतरू टीम में से सीना का हो जाएगा। ब्रॉक लेसनर की एक बार हेल्थ देखो, मारी नहीं खाया ब्रॉक लेसनर इस मैच में। माइकल फिनिशर दो, शायद डैमेज हो जाए लेसनर, लेकिन लगता नहीं है कि ओके रिवर्स किया है, माइकल ने रिवर्स किया है, मोमेंटम GTA 5 की तरफ जा रहा है माइकल। एक फिनिशर जल्दी, इतना अच्छा मौका मिला था, पता नहीं क्या फिनिशर है माइकल का, माइकल क्या ओके लगता है देखते नहीं मिलेगा माइकल, या तो भागो टैग देने, बहुत अच्छा मौका फिर से मिला है। बॉडी डैमेज हो गई है ब्रॉक लेसनर की, टैग दे दिया ट्रेवर को, ट्रेवर को टैग नहीं देना चाहिए था, ट्रेवर अभी रिकवर करता ज्यादा अच्छा था। ब्रॉक ने पकड़ लिया कमुरा लॉक में, माइकल बचाने आ गए, लेकिन माइकल बचाया नहीं, ट्रेवर के साथ गेम कर दिया माइकल ने, सामने सामने बचा सकते थे आराम से, टैप आउट कर दिया ट्रेवर ने भाई माइकल की वजह से। GTA 5 में भी माइकल ने गेम कर दिया था ट्रेवर के साथ स्टार्टिंग में, और अभी भी गेम कर दिया, सामने सामने बेचारा एलिमिनेट हो गया ट्रेवर, और अब फिलहाल बहुत कम ही चांसेस लग रहे हैं कि माइकल अकेले 3-on-1 एलिमिनेशन कर पाएंगे भाई, वो भी रोमन सीना और ब्रॉक लेसनर का, चांस ही नहीं है। लेकिन अगर कोई करिश्मा हो गया, जो कि हुआ है बहुत बार, तो आज जीत सकते हैं GTA 5 की टीम, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। ये 2K22 की खतरू टीम को अभी तक कोई नहीं हरा पाया, तो माइकल अकेले कैसे एलिमिनेट करेंगे। आज के मैच में सीना ने एक एलिमिनेशन किया, ब्रॉक ने एक एलिमिनेशन किया, रोमन का बच गया, लगता है रोमन एलिमिनेट करेंगे,
और तीनों एक एक एलिमिनेशन ले जाएंगे भाई। इसीलिए ये है 2K22 की खतरू टीम। माइकल जल्दी रिवर्स करो, स्टंड हो जाओगे। भागो माइकल भागो, लेकिन भागेगा, टैग देने के लिए भी कोई नहीं है। माइकल अब फिनिशर दो, दो फिनिशर एक सिग्नेचर है। माइकल का भी फिनिशर स्पियर ही था, लेकिन रोमन ने रिवर्स कर दिया है। माइकल की किस्मत खराब और लगता है माइकल स्टंड होने वाले हैं। स्टंड हो गए समझ लो, बैंड बज गई, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है। माइकल रिवर्स कर दो, नहीं रिवर्स कर पाए और स्टंड हो चुके हैं, खेल खत्म। रोमन ने, ओ हो भाई, रोमन फिनिशर देने जा रहे, गिलेटिन, खेल खत्म। अब कुछ नहीं हो सकता माइकल, टाटा बाय बाय, गेम ओवर, टैप आउट करना ही है, नहीं तो पिनफॉल हो जाएगा। टैप आउट कर दिया है और रोमन, सीना और ब्रॉक तीनों ने एक एक एलिमिनेशन किया। तो अब आप लोग जान रहे हो क्या टाइम है, अब टाइम है मेरे रिप्ले का, तो चलो उसको देखते हैं कि क्या है। सीना ऊपर से कूटना गलती हो सकता है, एल्बो ड्रॉप, फ्रैंकलिन एलिमिनेट हो गया एल्बो ड्रॉप के बाद, भाई ये कैसे हो गया। तो फेल गेम फैमिली, अगर मेरी लास्ट वीडियो मिस कर दी तो वो स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको अभी जाकर देख लेना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे भाई, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ कल, तब तक ख्याल रखो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।